सभा में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना डाला। पिता अपनी ही पुत्री के साथ हैवानियत का खेल खेलता था। जब एक दिन पीड़ित लड़की किसी तरह कलयुगी बाप की चंगुल से भागी तो सीधे थाने जाकर लड़की ने आप बीती पुलिस को बताई। एक हैवान ने महोबा में एक बार फिर खून के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक कलयुगी बाप ने अपनी बेटी को हवस का शिकार बना डाला। अपनी ही बेटी को बंधक बनाकर पिता उसके साथ हैवानियत का खेल खेलता था। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की माने तो उसकी माँ की मौत के बाद से वो अपने पिता नंदू के साथ अकेली रहती थी। पिता शराब का आदी था। जवान बेटी के साथ रहते रहते उसका बर्ताव भी बदलने लगा। पहले नंदू ने उसके साथ अश्लीलता करनी शुरू कर दी और एक दिन नशे में उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और एक पिता अपनी ही बेटी की असमत से खेलने लगा। बेटी अपने ही पिता की हैवानियत को झेलने के लिए मजबूर थी। समाज के लोक लाज की वजह से पिता ने एक साल पहले अपनी बेटी का विवाह श्रीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में कर दिया। विवाह के बाद से ही पीड़िता अपने ऊपर बीते मंजर को याद कर कांप उठती। अपने ही पिता की सताई पीड़िता खुद को अपने पति के काबिल नहीं समझती थी। यही वजह थी कि उसकी उसके पति से नहीं बन पा रही थी। आखिरकार एक माह पूर्व पीड़िता ने ससुराली जनों को राजी कर पति से तलाक ले लिया। अब वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी, मगर तलाक के बाद ससुर पीड़िता को उसके पिता के घर छोड़ाया। शराबी बाप ने एक बार फिर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मेरे साथ में पापा ने गलत काम किया है। जब से मताई मर गई, हाथ घोड़े बांध देते हैं, मुंह में लत्ता घोंट देते हैं, कहते रहेगी तो लुगाई बन कर रहेगी तू। मैंने बोला मैं लुगाई बन के नहीं रहूंगी। क्या दिन किया तुम्हारा? सही बात। हाँ, जब से मताई मरी। हाँ, कब खत्म हुई? मम्मी को 3 साल हो गए। फिर कोई शादी हो गई थी, फिर क्या हुआ? फिर शादी के बाद भी पकड़ा है। शादी के बाद भी पकड़ा है। एक पिता अपनी ही बेटी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। मौका पाकर किसी तरह लड़की भागकर महोबा तहसील पहुंची, मगर जैसे ही पिता को बेटी के भागने की भनक लगी वो भी मौके पर पहुंच गया और अपने साले की मदद से उसको घर वापस ले आया। भाग के तहसील आए सर। तहसील में बैठे पुदा से पकड़ के मम्मा बब्बा ले गए, पकड़ के फिर कमरे में बंद कर दिया। बोलने लगे इसको काट के नहीं तो फांसी लगा के मार डालो। मम्मा ने SP बंगला। मौका पाकर एक बार फिर पीड़ित लड़की वहां से भाग निकली और इस बार उसकी नदद और नंदोई को जाकर अपने पिता की करतूत बताई। सूचना पर पीड़िता का तलाकशुदा पति भी मौके पर पहुंच गया। उसने जब अपनी पत्नी पर हुए जुल्मों को सुना तो उसे न केवल अपनाने के लिए तैयार हो गया बल्कि खुद उसे अपने साथ लेकर कोतवाली पहुंचा। मेरी बीवी के साथ ये हुआ कि मेरे ससुर ने इसके साथ बलात्कार कर दिया। ससुर ने मेरे इसके बाप ने हाँ वो पहले से करता है। शादी हो गई, ये भी उसी के पास गई तो इसने फिर वही हरकत कर दी इसके बाप ने। तो अब मैं क्या करूं? तलाक ऐसे दे दिया कि ये कह रही थी मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा कर दिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं भर की हूँ। पीड़िता ने अपने पति के दिलासे के बाद जब पुलिस को अपने ही पिता की हैवानियत का मामला बताया तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। पुलिस ने पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर पर जांच उपरांत मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि मां की मौत के बाद से उसके साथ उसका ही पिता न केवल घिनौना खेल खेलता था बल्कि उसे मौत के घाट भी उतारना चाहता था। अपने पिता की करतूत उसने अपने दादा से बताई लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं की। फिर वहां से मैं लोग रोटी खाने लगे, वहां से मैं निकल के भागी। नहीं, इमिलिया। नंद।
वहीं दूसरी ओर अपने पति को तलाक दे चुकी पीड़िता आरोपी पिता को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। पति आज भी अपनी पत्नी को अपनाना चाहता है और उसके दुख में शामिल है और उसके न्याय के लिए वो भी उसके साथ अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पीड़ित पत्नी अब अपने पति से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैंने बोला कि तू अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर, तू अपना दूसरा घर बसा ले, मेरे बाप ने मेरी जिंदगी बता दी। नहीं, हमें जाना नहीं है उसके पास। रिश्तों को कलंकित करने वाले इस मामले में एसपी अनीश अहमद अंसारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये श्रीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करते रहते हैं। इसकी प्रारंभिक जाँच कराई गई है और थाना कोतवाली पे मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।